इमाम जैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां, पांव में जंजीरें और ऊंट पे बांध करके जब हजरत इमाम जैनुल आबिदीन को शहीदों की लाशों के करीब से गुजारा गया तो गशी पे गशी तारी हो रही थी इमाम जैनुल आबिदीन पे, और वो घड़ियां भी इमाम जैनुल आबिदीन पर कितनी दर्दनाक थी कि जब शहजादियां ऊंटों के साथ बांधी गई थी और इमाम जैनुल आबिदीन अपने बाबा का सर अपने सामने चलता हुआ देखते थे, और ये दर्दनाक लम्हे कि जब रात की घड़ी आई तो जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि जैनुल आबिदीन के आंसू नहीं थमते, उनको गशी पे गशी आती है, तो वो आगे बढ़ के उनको अपनी आगोश में समेटती हैं और कहा, जैनुल आबिदीन क्या हुआ? कहा कि पुप्पो जान, अगर हो सके तो बाबा का सर कुछ देर के लिए मेरी गोद में नहीं आ सकता है।